मुझे लगता है कि इससे अच्छी शुरुआत हो ही नहीं सकती जहां आप हैं हम हैं और ईश्वर से पिता परमेश्वर से एक आत्मा है। कहा जाता है हमने पास्टर शिक्षा यही कामना है कि हम सब योग रहें खुश रहें स्वस्थ रहें और ईश्वर का बनाते मानते हुए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सनातन धर्म में किसी काम को हम शुभ कार्य को करना चाहते हैं करते हैं तो श्री गणेश करते हैं श्री गणेश के नाम। वैसे ही कला की धन्यवाद भाई गगन गौतम जी। गगन गौतम जिनका मैं परिचय सबसे पहले देना चाहूंगा। गगन गौतम मथुरा गिट्टा के 80 और 90 दशक के बीच में जो मथुरा में जो प्रस्तुतियां हुई उसके एक कलाकार थे और आज बड़ा गर्व है हमें कि आप रेडियो जॉकी हैं सुनो शारदा 908 FM ग्रेटर नोएडा में और वहां से जब भी मथुरा में इत्यादि कोई प्रस्तुतियां होती है तब तब ये बड़े सहज मथुरा कलाकार इनके नौकरी में यही होता जब तक ऊपर वाला मरता नहीं
नीचे वाला का प्रमोशन नहीं होता, इतना साले ढंग से जीते हैं ना ढंग से मरते हैं। किसी चीज में उसकी जान लग गई होगी। अरे मैना, सिर्फ बड़े लोगों की जान दुनियादारी में नहीं अटकती, इनकी जान तो अटकती है कुर्सियों में। सोचते हैं कि हम मर जाएंगे, इन दस पर कौन बैठेगा। मैं मेहनावती के घर लगता हूँ।
बूंदों का घर हो तो झटपट कैसे बदल जाते हैं? बदल जाते हैं? अरे वो तो हमारा सख्या था, आप उससे डरते। सख्या था और आप मैनावती? मैनावती जी हाँ, मैं ही मैनावती। लेकिन आपने मुझे पहचाना कैसे? अरे उस अमलदार ने बताया था, मैनावती नाम की अच्छी नाचने गाने वाली नगरी में राजा का छपरी पलंग चाहिए। हाँ तो ये तो राजा का छपरी
बीमार है तो एंटी तो पूरे करने पड़ेंगे ना। अब वो कहावत नहीं सुनी आपने? सिंपल ही मतलब की नारे ले अरे इसी को तो सिंपल कहते हैं। अच्छा और बात तू अंदर अंदर बात लायो ये सब मेरे होते पे काम है कितना क्या बात अंदर बात अंदर बात तो तैयार है। अरे बिल्कुल सब तैयार है मतलब सब बढ़िया है। अरे पंडित जी थैंक यू सब तैयार है। अब आप जल्दी कीजिए आप शुरू कर दो।
संगीत दिया था श्री अजय शर्मा, हमारे बहुत अच्छे भगवानी वादक थे, और ढोलक बैंड में आपको वेलकम दे रहे थे पम पम पम्मू पवन चाहूंगा एक जोड़ इसका हमारे बीच में दूरदर्शन की टीम आई हुई है, सत्रपति आए हुए हैं, तो दूरदर्शन के मथुरा का मैं विशेष आभार दूंगा। सचिन नाम है कि मैंने जब थिएटर की क्षेत्र में जब कदम रखा था नाटक हम लोगों ने किया था, ये स्वामी वगैरह उस समय हमारे पास कोई साधन नहीं हुआ करते थे। नाटक एक कन्या बहुत बड़ी तपस्या है, एक कन्या की शादी अपने घर में आसानी से कर सकते हम, पर नाटक करना 10 कन्याओं की शादी के बराबर है। तब है सबसे बिकट साधना है ये नाटक की। मैं संगीत जानता हूं और आप कहें साहब आप संगीत सुनाइए, तो भले ही मेरे पास साथ ना हो मैं गा के सुना दूंगा, स्वर दिखा दूंगा कि मेरा स्वर ये है। मैं तबला बजाना जानता हूं, मेरे पास तबला नहीं है, आप अचानक कहें तबला बजा के तो बताइए, मैं सीधा बजा के दिखा दूंगा। पर नाटक सारी विधाओं को जोड़ते हुए उनको बिरोते हुए सबसे बराबर संबंध बनाते हुए नाटक की साधना होती है, बड़ा यज्ञ है जो भाई साहब कर रहे हैं। मेरा लास्ट नाटक 2002 में गर्ल्स थिएटर में जो नाटक हुआ है जिसका आपने निर्देशन किया है, भारतीय जन नाटक संघ के बैनर तले ये हुआ है, इस नाटक के बारे में जानकारी दीजिए आप, और ये कौन सा नाटक है, कितनी बार आपने इससे पहले किया? ये नाटक सैया भय कोतवा, ये कॉमेडी नाटक है, उसको हमने लगभग 39 साल पहले उसे हमारे जो निर्देशक थे जो आप आए थे लोकेंद्र कौशिक उनकी देख रेख में ये किया, उसके बाद में हमने इसका नया प्रयोग किया और इसमें बहुत नई कलाकार जो 2-3 कलाकार तो इसमें पुराने हैं, बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब नए हैं, पहली बार नाटक सर ये जो आपने नाटक किया है इसके लिए आपको रिहर्सल कितने दिन करनी होती है? कम से कम 2.5 से 3 महीने तो कम से कम इसकी रिहर्सल हुई है, उसके बाद में ही नाटक तैयार हो पाता है। ये बड़ी तपस्या है, लगातार 2.5 महीने किस कदर हम लोगों ने मेहनत की है, 2-3 घंटे कम से मिनिमम हमको देने पड़ते हैं जी, उसके बाद में हम लोगों की अपनी प्रस्तुति दे पाते हैं जी। ये हमारा हास्य नाटक था। इसमें किस तरह की परेशानियों से आपको गुजरना पड़ता है? परेशानी तो नाटक करने वालों को होती है, पहली बात तो आपको पात्रों का चयन करना, पात्रों का नियमित रूप से डेली आना जाना एक बड़ी समस्या है, तो किसी का समय है किसी का आज के ज़माने में समय नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसका सहयोग प्रदान करते हैं कैसे भी। सर अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी जी मुंबई गए थे और नोएडा को वो फिल्म सिटी बनाना चाहते थे जी, तो आप नाटक के संबंध में और फिल्म जगत के संबंध में अपने इस मीडिया के माध्यम से योगी से कुछ बात कहना चाहेंगे, कुछ मांग करना चाहेंगे? हम तो यही मांग करेंगे सरकार से, भाई हमारे जो कलाकार हैं वो फिल्मी दुनिया में आए, नाटक के बाद में वो यहाँ जो नोएडा में बन रही है फिल्म सिटी इसमें हमारे आर्टिस्ट जाना चाहिए। अच्छा किस तरह की असुविधाएं हैं, क्या चाहते हैं? सुविधा को तो सुविधा में बदलना है, तो गवर्नमेंट हमको सहयोग करेगी तभी तो हम लोग जो है उसमें सहयोग दे पाएंगे, हमको गवर्नमेंट सब सहयोग करे तो हमारे कलाकार आगे बढ़े, यही चाहते। धन्यवाद जी। जी आप दिल्ली से आए हैं, पता चला है आप शारदा रेडियो जॉकी हैं, जॉकी करते हैं, और यहाँ हमने देखा है आपने संबोधित किया है
इस नाटक को क्या कहना चाहेंगे मथुरा की जनता से और कलाकारों से और मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं एकता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मैं एकता से जुड़ा रहा हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ याद किया, यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो कमी मुझे हमेशा रही है, इस नाटक का कोई शुल्क नहीं लिया गया, शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद कहना चाहूँगा ऑडियंस का कि वो समय निकाल कर यहाँ आए, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग बहुत पीड़ित रहे, परेशान हैं। इस नाटक ने लोगों को हंसाया, गुदगुदाया। जिस तरीके से अभी आपने एक सवाल किया था कि सरकार से क्या कामना करते हैं, सरकार और हम अगर मिलकर चलेंगे तो जो एक आजीविका का साधन होता है, रुपये पैसे की जब हम उनका बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सर खुशी मिलती है वो कलाकारों को हमें चलेंगे, सम्मान हमें मिल रहा, अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं कि घर चलाने के लिए रुपये पैसे की ज़रूरत होती है, मेरी नज़र से यही एक बात है, एक प्रार्थना है कि ये बिल्कुल आपकी कमर्शियल एंगल से हमसे लोग जुड़े, मीडिया ग्रुप जुड़े, आप हमें सहयोग कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से सरकार तक ये बात जाएगी। लेकिन ये जब मंचन जब हमें करना होता है रिहर्सल के बाद, तो मैंने देखा है बहुत से कलाकारों को और निर्देशकों को मंच के लिए भटकते हैं, तो इस संबंध में क्या कहना चाहिए? मंच के लिए भटकते हैं? हाँ नहीं, देखिए सर, किप्टा एक ऐसी संस्था है कि जो लोगों को मौका देती है, मौका दे रही है। आप देखें कि अभी हमारे 39 साल के जो पहले जो नाटक हुआ, श्री लोकेंद्र कौशिक जी ने अपनी एक मन की बात यहाँ रखी, और आप ये भी देखें कि हर क्षेत्र से लोग आए, छोटा भी एक कलाकार आपको मिला, बड़ा भी कलाकार मिला। मेरा सवाल है कि निजी मंच, एकता निजी मंच नहीं है, जो नाटक को हमें प्रदर्शन करना होता है, जो प्रस्तुत करना होता है, उसके लिए मंच की आवश्यकता होती है, जो सरकार को इसका इंतजाम करना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को सहयोग करना चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए। और जिस तरीके से अभी मैं एक बात कर रहा था कोरोना काल में कि हम लोग परेशान रहे, जनता परेशान रही, अगर आपके जरिए बात निकलकर शासन प्रशासन तक पहुँचे कि संबंध मजबूत करते हुए हम किस तरीके से प्रदर्शन और आगे कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोग हंसेंगे, गुदगुदाएंगे। जो कोरोना की वजह से हमें बहुत दिक्कत परेशानी हुई, उसकी वजह से इस नाटक की वजह से लोग मुझे मुस्कान आ पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस नाटक के निर्देशक पाल साहब ने बताया कि आपने दिल्ली में ये कथक सीखा है और आज आपकी बड़ी सराहनीय भूमिका इसमें रही है, और आपका नाम चेतना शर्मा है, आप जनपद मथुरा की रहने वाली हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इस नाटक का अनुभव आपको कैसा लगा? मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं काफ़ी खुश हूँ इस नाटक को करके। इतने बड़े बड़े मेरे गुरुजन हैं जो इतने सालों के अपने अनुभव को एक कुछ घंटों में, कुछ मिनट में मुझे साझा कर देते हैं कि चेतना ऐसे करिए, चेतना ऐसे करिए, तो बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे गुरुजन जो हैं, जिन्होंने अपने सालों इसी तपस्या में लगाए हैं, कि कुछ चंद पलों में मुझे सिर्फ 1 घंटे या 10 मिनट में मुझे इतनी जल्दी सिखा देते हैं। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस उम्र में इतनी जल्दी लोगों के बीच आकर, लोगों से सीख कर आगे बढ़ रही हूँ। मेरी मनोकामना यही है कि मेरे बड़े जन, मेरे गुरुजन, सभी लोग मुझे ऐसे ही कुछ ना कुछ देते रहे, सिखाते रहे। मेरी भगवान से यही धन्यवाद। योगी शर्मा जी, आपके सारथ में नाटक हुआ है, इस नाटक के बारे में आप जानकारी दीजिए, किस तरह की तैयारी आपने करवाई और किस तरह की परेशानी इसमें आई? देखिए, ये मथुरा एकता का जो नाटक था, ये हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी हैं श्री देवेंद्र पाल जी, उनके निर्देशन में ये तैयारी हुई। हम सब लोग उनके साथ मिलकर के उनका सहयोग करते रहे। लेकिन इस जैसा आप जानते हैं कि नाटक करना बहुत बड़ा और एक दुष्कर कार्य है, क्योंकि इसमें आरंभ से ही कई सारी परेशानियां आती हैं। जैसे मथुरा एक छोटा शहर है, अगर हमारी महिला आर्टिस्ट की जो डिमांड है, और ख़ास तौर से ऐसे नाटक में ऐसे अभिनय करने के लिए और इस तरह के पात्र की भूमिका को निर्वाह करने के लिए महिला आर्टिस्ट की कमी है। दूसरी बात, जब नाटक का चयन हो गया, आर्टिस्ट भी मिल गए, सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है वो ये होती है कि रिहर्सल कहाँ करें। रिहर्सल के लिए कोई भी ना तो सरकारी भवन है, ना कोई सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था है, जबकि नाटक को जिंदा रखना, कला संस्कृति को जिंदा रखना, ये सरकार का जिंदा है। जब मथुरा और वृंदावन जो हर तरह के कलाकारों की खान है, यहाँ फिल्म के कलाकार भी हैं, यहाँ नाटक के भी कलाकार हैं, यहाँ संगीत के भी हैं, यहाँ रास भी हैं, यहाँ रामलीला भी हैं, यहाँ चौमुखी जो कलाएं हैं और उनके कलाकार हैं, उनको किसी तरह की कोई सुविधा यहाँ पर मौजूद नहीं है।
दूसरा, रिहर्सल के बाद में जब मंचन करने का नंबर आता है किसी भी प्रस्तुति को आप मंच पर प्रदर्शित करें, मथुरा शहर में एक भी ऑडिटोरियम नहीं, एक सांस्कृतिक क्षेत्र की राजधानी जिसको मैं कहूँगा, मथुरा ब्रज की राजधानी है, लेकिन यहाँ कोई ऑडिटोरियम नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। देश आज़ादी के बाद भी आज तक कलाकारों के लिए कोई रंगमंच ऑडिटोरियम यहाँ उपलब्ध नहीं है। सर, उम्मीद करते हैं कि इस मीडिया के माध्यम से आपकी बात ऊपर तक जाएगी। और बताएं, ये नाटक जो आज हुआ है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक बसंत सबनीश है और निर्देशक इसके श्री देवेंद्र पाल है जी। मथुरा इप्टा की ये प्रस्तुति रही, पहला ये प्रस्तुति है इस नाटक की। वैसे इप्टा मथुरा लगभग 2 दर्जन से अधिक नाटकों का प्रदर्शन कर चुका है। इस नाटक की प्रस्तुति कहीं इसके अतिरिक्त और भी देंगे आप? इसके बाद में योजना है, क्योंकि अब ये गंभीरतापूर्वक हम सब लोग विचार कर रहे हैं कि एक नाटक पर जो मेहनत होती है 3 महीने की 2.5 महीने की, उस मेहनत को और भी जगह हम प्रदर्शित करें, तो निश्चित रूप से मथुरा शहर और मथुरा शहर के बाहर भी हम लोग इसकी प्रस्तुति करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ अनिल स्वामी जी हैं और अनिल स्वामी जी का काम है लोगों का ड्रेसअप, साज सज्जा। तो स्वामी जी, आप बताइए किस तरह का इसमें क्या व्यवधान या क्या किस तरह की परेशानी और कैसे व्यवस्था होती है? देखिए, सबसे पहले जो पात्र है उसके अनुरूप ही हम ड्रेसों का चेंज करते हैं। उसकी कैसी टोपी है, मूछें कैसी लगानी है, उसी तरीके से मेकअप करना, मेकअप से लेकर ड्रेस तक सब मेरी रहती है। तो स्वामी जी, सारी चीजें मथुरा में उपलब्ध हो जाती हैं? हाँ, मथुरा में उपलब्ध हो जाती हैं। मेरा ड्रेसों का ही काम है आरवी मकर वाले के नाम से। हाँ। और रामलीला का भी काम है, रामलीला रासलीला जितने भी नाटक वगैरह होते हैं और अनेकों फिल्मों में मैं ड्रेस दे चुका हूँ। आपके यहाँ तक दूरदर्शन पर भी मेरी ड्रेस जा चुकी है। तो आपका प्रतिष्ठान कहाँ पर है? द्वारकाधीश मंदिर के पास है, आरवी मकर वाले के नाम से। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इससे अच्छी शुरुआत हो ही नहीं सकती जहाँ आप हैं, हम हैं और ईश्वर से, पिता परमेश्वर से ही कामना है। कहा जाता है, हमने इसी तरीके से कई सुख बताए, तो यही कामना है कि हम सब योग रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और ईश्वर का शब्द बनाते मानते हुए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सनातन धर्म में किसी काम को हम शुभ कार्य को करना चाहते हैं, करते हैं तो श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश। वैसे ही कला की धन्यवाद भाई गगन गौतम जी। गगन गौतम इनका मैं परिचय सबसे पहले देना चाहूंगा। गगन गौतम मथुरा इप्टा के 80 और 90 दशक के बीच में जो मथुरा में जो प्रस्तुतियां हुई उसके एक कलाकार थे और आज बड़ा गर्व है हमें कि आप रेडियो जॉकी हैं सुनो शारदा 908 FM ग्रेटर नोएडा में और वहां से जब भी मथुरा में इप्टा की कोई प्रस्तुतियां होती है तब तब ये बड़े सहज मथुरा कलाकार इनके लिए साथ। भारतीय नाट्य संघ के बैनर तले मथुरा जनपद के स्थानीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आयोजित नाटक का मंचन किया गया। रविवार को साए भाई कोतवाल नाटक मंच के करने के लिए ब्रज मंडल एवं दूरदराज से आए कलाकारों द्वारा एक के बाद एक नाटक की संस्तुत प्रस्तुतियां दी गई हैं। सैयभर कोटवाल नाटक की इन प्रस्तुतियों ने ऐसा समा बांध दिया कि नाटक को देखने पहुंचा जनसमूह मंत्रमुग्ध होकर जोर जोर से ताली बजाने लगा। तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का हौसला और भी बढ़ते हुए नजर आया। आइए एक नज़र डालते हैं नाटक की उन खूबसूरत प्रस्तुतियों पर जो ब्रज के कलाकारों द्वारा दी गई। सया भाई कोतवाल नाटक के मंचन के संबंध में मथुरा हलचल की टीम ने नाटक के डायरेक्टर एवं अन्य लोगों से वार्ता की तो उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि मंचन से पूर्व कलाकारों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है और उन्हें नाटक के मंचन के लिए तैयार भी करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने नाटक के मंचन एवं तैयारियों के लिए कहा कि उन्हें इस ब्रजमंडल में सरकार के द्वारा
कोई भी ऐसा मंच नहीं दिया गया है जिससे कलाकारों को आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही उन्होंने मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग की है, जिस तरह बॉलीवुड आदि फिल्मों के लिए सरकार सहयोग देकर फिल्म सिटी आदि बनाती है, उसी तरह सांस्कृतिक धरोहर एवं नाटकीय कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को ब्रज मंडल में एक मंच बनवाना चाहिए, जिससे कि ब्रज के कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके और उनकी कला को उभार कर आगे लाया जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि नाटक के कलाकारों का भी बॉलीवुड आदि फिल्मों में जगह मिलनी चाहिए, जिससे कि नाटकीय कलाकारों को बड़े पर्दे पर आकर ब्रज की संस्कृति एवं धरोहर को प्रस्तुत किया जा सके। अब देखना ये होगा क्या भाजपा सरकार ब्रज मंडल में होने वाले भारतीय नाट्य संघ एवं भारतीय संस्कृति के प्रति कितने जागरूक होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मथुरा हलचल।